Hello everyone, welcome to an all new video and this time we are in Phuket. Welcome to Thailand. Bangkok, Krabi and Phi Island ke baad hamari safari aap pahunchi hai Phuket. Main yahan aayi hu to experience its unique culture, party like vibe, Thai massages and enjoy Thai cuisine. Here I discovered a whole new side of Thailand where every day felt like a dream. This video is all about trying new adventure and experiences. और ऐसे न्यू एक्सपीरियंस करने हम पहुंचे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, विच इज जस्ट अ 1 hour फेरी राइड अवे फ्रॉम फुकेट। इस आइलैंड की खास बात ये है कि यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी एंड लाइवली बीचेस के साथ ऑफबीट एडवेंचर करने को भी मिलेगा। माय नेम इज भाविका एंड आई एम अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर एंड दिस इज माय फुकेट एंड जेम्स बॉन्ड आइलैंड ट्रैवल ब्लॉग। तो इस सिटी में घुसते ही ना बिल्कुल ऐसे पार्टी की वाइब आ रही है, बिकॉज हर जगह म्यूजिक चल रहा है एंड लोग बहुत ही कूल ड्रेसअप हो रखे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है सिटी। और मैं अभी खड़ी हुई अपने होटल के बाहर, दिस इज होटल क्लोवर एंड ये बांग्ला स्ट्रीट के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अब बातें तो बहुत हो गई हैं, बांग्ला स्ट्रीट पे हैं हम, सो चलते हैं, कुछ खाते हैं एंड एंजॉय करते हैं। She's a vlogger. She looked like a, you know, princess. It's a jet ski. She's your wife? Yeah, yes. How many wives? How many wives? Only one wife. Yeah, oh. I had two. One wife. You? Good for you. Made it to the Patong Beach and this place is so cool. इतनी बढ़िया vibe है ना इस जगह की and मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो गया है। So हमने यहाँ पे water sports करने हैं and we are doing this with Kit Water Sports Company. काफ़ी अच्छा इन्होंने हमें discount भी दिया है and काफ़ी friendly लोग भी हैं। So हम लोग jet ski, parasailing and और भी multiple activities करने वाले हैं। So yeah, let's go now. एक्टिविटीज और इतना मजा आया ना, इतना बढ़िया था, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई डिड अ लिटिल चेंज ऑफ क्लोथ्स। बीच के पास होटल होने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप कभी भी आओ, चेंज कर लो, कुछ सामान भूल गए हो उठा लो। सो यार डिड दैट। और अब चलते हैं आगे सबसे पॉपुलर स्ट्रीट को एक्सप्लोर करें, विच इज द बांग्ला स्ट्रीट। देखते हैं जाके व्हाट्स द हाइप अबाउट। वी आर एट बांग्ला स्ट्रीट एंड यहाँ पे जो गाने चल रहे हैं एंड जो वाइब है, इट्स अनमैच्ड। ऑल्सो थाईलैंड की लोकल स्ट्रीट, लोकल फूड के बारे में किसने नहीं सुना है, बट मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सो लेट्स से मुझे कुछ वेज मिलता है या कि नहीं मिलता है। Good morning everyone, welcome to our new day in Phuket. So last night was crazy. मैंने बहुत कोशिश करी वेजिटेरियन खाना ढूंढने की लोकल स्ट्रीट पे, बट मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे बस अच्छे फ्रूट्स मिल रहे थे या ग्रिल पॉन मिल रहा था, वो मेरे खाने का मन नहीं था। रियली वॉन्टेड टू ईट समथिंग सॉलिड। सो हम लोग एक टर्किश रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ पे मैंने थोड़ा सा हमस पीता एंड बिरयानी खा ली एंड आई वॉज रियली यमी। सो ये टर्किश रेस्टोरेंट बिल्कुल बांग्ला स्ट्रीट के बाहर ही है, सो या दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है वहाँ पे। और राइट, आई एम ऑल सेट फॉर द डे। हमारा आज का प्लान है जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर करने का। इसमें मल्टीपल आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं, सो हॉन्ग आइलैंड भी है, फंगनगा बे भी है, बट इससे पहले लेट्स डू सम ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे ना एक कैफे है, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, दिस इज़ द कॉफी क्लब एंड इनका मेन्यू भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एंड इस कैफे की ब्रांच में हमने बैंकॉक में भी खाना खाया था, क्राबी में भी खाया था, यहाँ भी खा रहे हैं, सो इससे पता चलता है कि हमें कितना पसंद आया ये। ऑलराइट, मेड इट टू द टूर एंड यहाँ तक का रास्ता इतना लंबा था ना, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का था, मैंने अपनी आधी नींद ही इस रास्ते में कर ली। तो हम जो कनोइंग टूर कर रहे हैं, दिस इज BJ कनोइंग कंपनी लिमिटेड एंड इन्होंने हमें ये रिस्ट बैंड्स भी दिए हैं, सो जो भी हमारी बारी आएगी तो हमें बुला लेंगे विद आवर कलर ऑफ द रिस्ट बैंड। I booked this tour through the Klook app and the itinerary included ice cream cave, Hong Island, James Bond Island and canoeing in Phangnga Bay. हमारी पहली डेस्टिनेशन थी आइसक्रीम केव एंड आई कुडंट बिलीव माय आईज व्हेन आवर बोट वाज गोइंग इनसाइड द केव।
It was very slippery and dark, so we had to be very careful. The rock formation inside the cave were in different shapes and colors, and kuch rocks to ice cream like colors bhi the, and that's why it's called ice cream cave. Made it to the James Bond Island, and ये island को James Bond इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे James Bond movie की shooting हुई थी. यहाँ पे एक पत्थर है, अगर आप उसको पहचानोगे तो वो James Bond movie में आया था. This is truly a unique experience because हम island पे तो बहुत बार जाते हैं, island hopping तो करते ही हैं, बट ये island के ऊपर caves है, so ये explore करने में बहुत मज़ा आ रहा है. Okay, done with the lunch now, and इसके बाद हमारा प्लान है कनोइंग करने का. सो हमारी बोट अब हमें कनोइंग के लिए लेकर जाएगी, एंड आई थिंक दिस विल बी आर लास्ट स्पॉट. एंड मेरे पीछे यहाँ पे ना कुछ फ्लोटिंग बोट्स हैं, ये हट की तरह है, एंड यहीं पे हमने अभी अपना लंच भी किया है. All set for canoeing. We have reached this point. This experience is so cool, so unique. Can't believe this. All right, done with the canoeing, and I can't believe मुझे थाईलैंड से पहले पता नहीं था कि canoeing होता क्या है. ये experience इतना बढ़िया और इतना unique है ना, I think ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, and अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए. ऑल्सो ये एक्टिविटी इतनी सेफ थी ना कि मेरे पेरेंट्स भी ये कर पाए, एंड वो बहुत कंफर्टेबल थे. स्पेशली जिस कंपनी के साथ हमने किया, उन्होंने बहुत कंफर्टेबली उनको करवाया, एंड वो बहुत इन्जॉय भी कर पाए. सो ओवरऑल बहुत ही फन था ये, स्टार्टिंग फ्रॉम द केव टूर टिल द कनोइंग. पूरा टाइम मुझे बहुत ही मज़ा आया, एंड इनका फूड भी बहुत अच्छा था. सो आई रियली रिकमेंड, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो स्पेशली फुकेट, तो ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. एंड नाउ लेट्स हेड बैक टू द होटल, थोड़ा रेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट. Hello everyone, it's a new day in Phuket, and as you can see I'm all ready, I'm all out. So yesterday after the James Bond Island tour I got really tired, and we got Thai massage after that, and it was superb. Bahut hi zyada relaxing thi, especially mera neck aur mera back na kafi zyada dard hone lag gaya tha because hum kafi dino se travel kar rahe hain. To hame massage ke baad bahut hi zyada relaxing laga, and bahut hi fun thi massage. So it's our last day in Phuket, and hamara aaj ka plan hai nothing. So we're just gonna relax, and हम एक beach club में आए हैं. This is Blue Beach Club, and काफ़ी अच्छी vibe है इनकी. हमारे सामने sea है and कुछ shacks हैं, and इनका menu proper Thai menu है, so हम काफ़ी सारी चीज़ें भी try करेंगे. Of course मैं vegetarian चीज़ें try करूँगी, and non vegetarian मेरी family try करेंगी, and हम सबका opinion आपको पता चल जाएगा. We are at Patong Beach, and इतना beautiful sunset देखा हमने होते हुए अभी, and I can't believe इतनी जल्दी Phuket की trip end भी हो गई. I really loved Thailand overall. मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस trip पे. I hope आपको भी videos देखने में उतना ही मज़ा आया होगा. With that, I think I'm gonna end this vlog right here, and I hope you like this video. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel. I'm gonna see you in the next one. Till then, bye.